और आप लोग कई लोग के कमेंट आएगा इसकी अपोलो टायर क्यों लिए भाई आप, अपोलो टायर क्यों लिए। तो अपोलो टायर मेरे को जो कि बहुत अच्छा लगता है शोरूम में, मेरे को अपोलो टायर ही मिला था। और जेपी टायर देख लो आप लोग, 3 महीना हुआ है और इसमें 50% ज्यादा माल खत्म हो चुका है और कट थोड़ा सा कट लगा था, अभी इतना बड़ा कट फैल गया है। यहाँ से अभी सिरडी होगा 20 किलोमीटर और यहाँ से राइट ले लेते हैं। और मेरा टोल जो कटा है 885 रुपये कटा है। तो गाइस अभी निकल चुका हूँ मैं सापुतारा से, तो थोड़ा देर गाड़ी को आराम दिए और निकल चुके हैं। तो ये गाइस यहाँ का जन्नत है, सुकून है यहाँ का। तो गाइस अभी हम लोग ऑनलाइन मंगा लिए खाना और देख लो अभी रात में 1:48, तो बहुत गाइस मैं मंगाया हूँ ऑनलाइन बिरयानी। तो ये देखो अपना बिरयानी है। हेलो गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द माय न्यू ब्लॉग। तो मैं आज सोचा नहीं था, मेरे को आज उम्मीद नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग आज कर पाऊंगा, आज ब्लॉग बना पाऊंगा, क्योंकि मेरा ब्लॉग जो शुरू से मैं सुबह वहाँ नागपुर के पास से समृद्धि में चढ़ा था, वहाँ से मेरा मोबाइल जो स्विच ऑफ हुआ था उसके बाद चालू नहीं हो रहा था। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, डीजल डलवाने के लिए मेरे को एक से डेढ़ घंटा लगा डीजल के लिए। क्या है कि मेरा मोबाइल जो बंद हो चुका था, फोन पे भी इसी में पूरा पैसा वैसा रखा हूँ मैं, और एक और मोबाइल रखा हूँ मैं छोटा था, तो ये भी एंड्रॉइड है, इसको भी रखा हूँ मैं। लेकिन ये मोबाइल में भी मतलब कुछ भी नहीं है, बस एक तो मेरा सिम है और कुछ भी नहीं है। और भाई का मोबाइल तो कुछ काम का ही नहीं है, कहीं देखो भाई का मोबाइल भी छोटा सा ही है, तो दोनों मोबाइल सेम है बट कुछ काम का नहीं है। तो अभी ठीक है कहते अभी अपना मोबाइल चालू हो चुका है, बट चार्जिंग का पिन खराब हुआ है, क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। क्या है कि मेरे चार्जर से उठा रहा है और किसी कहीं और चार्जर मैं पिन ले रहा हूँ तो हो नहीं रहा है। पीछे देख के बनवाया हूँ थोड़ा सा, वही समृद्धि में ही, और बहुत मैं रुक रुक के आ रहा हूँ भाई। और डीजल ले लिया हूँ मैं, और अभी मैं औरंगाबाद में हूँ, वही संभाजी नगर है। तो अभी यहाँ पे क्या मौसम बहुत ही तगड़ा हो चुका है, पूरा बादल 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 बादल। तो ये व्लॉग को मैं पूरा कंटिन्यू करूंगा कि नहीं, लेकिन क्लिप जरूर डाल दूंगा मोबाइल बनने के बाद मेरा। मोबाइल तो अभी अच्छे से पूरी तरह से बना नहीं है, और सामने में टनल भी आने वाला है, और मौसम भी देख लो आप, सुबह सुबह मतलब सुबह हो चुका है, और अभी मैं 2:30 बज रहा है दोपहर का। टनल के पास तो पहुंचने वाला हूं मैं, और यहां से भी बॉम्बे मुंबई बचा हुआ है 350 किलोमीटर, और अपन सूरत जा रहे हैं, तो सूरत भी है वही यहां से गुजरात, सूरत अपना 400 किलोमीटर लगभग अराउंड होगा। और अभी नॉन स्टॉप चलेंगे गाइस, क्या है कि सुबह का मंडी करना है और मेरा फोन का भरोसा नहीं है, कभी भी बंद हो सकता है। लेकिन ब्लॉगिंग भी बहुत मैं मिस कर रहा था गाइस, सुबह से ब्लॉगिंग स्टार्ट ही नहीं कर पाया था, अभी स्टार्ट तो कर दिया हूं मैं और ब्लॉग बना भी रहा हूं, और टनल को भी दिखाऊंगा आप लोगों को। और मेरा फोन अभी भी कभी भी बंद हो सकता है, चार्ज बिल्कुल भी नहीं है, अभी थोड़ा सा चालू हुआ है, तो मैं सोचा फिर ब्लॉगिंग कर लेता हूँ। और अभी देखते हैं, वापसी का भी दिक्कत था, मेरे गाड़ी का सामने का जो कि पट्टा टूटा हुआ है, पिछले ब्लॉग में आप लोग को दिखाया था मैं, अब गाड़ी कहीं रोकूंगा तो वो भी दिखा दूंगा। अभी उसी में मेरे को एडजस्ट करके जाना पड़ेगा कहीं धीरे धीरे, आगे रोड खराब है थोड़ा। और गाइस क्या है कि मौसम भी ठंडा है, इसीलिए मैं नॉर्मल चला ही रहा हूँ अभी, 60-70 नॉर्मल एकदम। क्या कि मौसम ठंडा ठंडा है और धूप उप रहता है, तो थोड़ा सा दिक्कत है, आराम करना पड़ता है गाड़ी को, थोड़ा आराम देना पड़ता है, तो धूप तो है नहीं ज़्यादा। और ये मोबाइल थोड़ा सा टच इसका काम नहीं करता है, साइड का जो कि डिस्प्ले इसका गया हुआ है, तो फिर भी अब कॉल और लग जाता है इसमें। और इधर पे मोबाइल था, मैं इसको लेके आया, मतलब अपने साथ ही रखता था इमरजेंसी में यूज करने के लिए। तो गाइस ये वापसी का भी मैं बात कर चुका हूँ, जो कि यही छत के औरंगाबाद से ले जाऊँगा वापसी का भी, तो देखते हैं गाइस अभी वापसी का बन जाएगा तो ठीक है, क्या कि पट्टा मेरे को सबसे पहले बनवाना पड़ेगा, अभी तो धीरे धीरे करके चले जाऊँगा गाइस। और इधर का मौसम जो कि औरंगाबाद में घूमने के लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही जगह है घूमने के लिए, तो अभी तो हम लोग नॉन स्टॉप ही आ रहे हैं घूमने के लिए, देखेंगे अगर कल गुजरात में हो सके तो घूमने जाऊंगा। अभी हाईवे से नीचे उतरेंगे हम लोग वैजापुर होके, येवला से सीधा सापुतारा होके निकलेंगे गाइस। और गाड़ी देख लो अपनी गंदी हो गई है काफ़ी ज़्यादा। और आप लोग कई लोग के कमेंट आया गाइस कि अपोलो टायर क्यों लिए भाई आप, अपोलो टायर क्यों लिए। तो अपोलो टायर मेरे को जो कि बहुत अच्छा लगता है शोरूम से, मेरे को अपोलो टायर ही मिला था। और जेके टायर देख लो आप लोग, 3 महीना हुआ है और इसमें 50% ज़्यादा माल खत्म हो चुका है और कट थोड़ा सा कट लगा था, अभी इतना बड़ा कट फैल गया, इसलिए मेरे को जेके टायर ज़्यादा पसंद नहीं आता, और गाड़ी लहराती है नए में, और ये गाड़ी ये टायर एक नंबर लगता है मेरे को। अभी चलो यहाँ से भी निकलते हैं गाइस, टाइम दिखाता हूँ, 4 बजने वाला है। तो गाइस जब घुसे तब एंट्री हुआ था, अब जब निकलेंगे तब टोल कटेगा, तो वही 700 कुछ कटता है, पिछली बार कटा था तो याद है मेरे को। तो मैं मैसेज आएगा तो आप लोग को दिखाऊंगा मैं कितना कट है। तो यहाँ से राइट मारेंगे, उसके बाद अभी पूरा 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर ऑफ रोड चलना पड़ेगा, रोड पूरा उधर का थोड़ा सही नहीं है, बाकी तो गुजरात में एक नंबर रोड है। यहाँ से अभी सिरडी होगा 20 किलोमीटर
और यहाँ से राइट ले लेते हैं। और मेरा टोल जो कटा है 885 रुपए कटा है, तो बहुत ज्यादा ही कट गया ऐसे लग रहा है मेरे को, रेट और बढ़ा दिए होंगे क्या पता। और ये जो आसपास में जितने भी होटल है यहाँ पे खाना बहुत महंगा मिलता है, क्या कि समृद्धि के बगल में है और हम लोग कुछ खाए भी नहीं है, तो मंडी पहुँचाना है भाई को खिलाएंगे। तभी मैं गाड़ी रोका हूँ, ये विंचौर है ये ओला के पहले, और बहुत तेज भूख लगा था तो ये वड़ा पाव, तो वड़ा पाव खाएंगे हम लोग अभी। ये देखो वड़ा पाव यहाँ का तो कुछ है नहीं, आलू गुंडा है बस, मिर्ची उर्ची डाल दिए हैं और मिर्ची है, तो वड़ा पाव खाएंगे और निकलेंगे। और ये मेरा थोड़ा सा टूट गया है गाइस, ये देखो, तो इसमें शायद एक डाल के चिपकाना पड़ेगा। तो गाइस अभी सापूतारा में आ चुका हूँ, सापूतारा मेरा पिछली बार सापूतारा बोल रहा था तो मेरे को नाम नहीं मालूम था, अभी मालूम है सापूतारा। तो गाइस क्या ना बॉर्डर और बचा के आना पड़ता है इधर से, इसलिए मैं कंटिन्यू दिखाया नहीं और चार्जिंग भी नहीं है मोबाइल में। और अभी टाइम देख लो गाइस सापूतारा, वही 8:30 बजे मैं सापूतारा में हूँ, तो यहाँ मैगी वगैरह खाएंगे और निकलेंगे गाइस। यहाँ का व्यू जो है बहुत ही प्यारा व्यू है, तो आप लोगों को व्यू भी दिखाता हूँ। तो सब गाड़ी रुकती है यहाँ पे, हम लोग भी गाड़ी थोड़ा देर ठंडा करेंगे उसके बाद निकलेंगे। क्या आगे पूरा घाटी है, पिछली बार मेरे को मालूम नहीं था, ब्रेक पूरा गर्म हो गया था हम लोग का, लाइन से यहाँ पे मैगी वगैरह का दुकान है वेजिटेबल का, तो हम लोग मैगी बनवा रहे हैं अपने लिए। भाई को कप कप आ रहा है, क्या हुआ यार? भाई बहुत ही ठंडी है। हाँ इधर देख के बोलो, तो बहुत ज़्यादा ठंडी है गैस यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। तो फाइनली गैस ये अपना गरम गरम मैगी लग चुका है, और ये भाई मोबाइल चला रहा है, मैगी खा रहा है, अपन भी खाते हैं। तो गैस अभी निकल चुका हूँ मैं सापूतारा से, तो थोड़ा देर गाड़ी को आराम दिए और निकल चुके हैं। तो ये गाइस यहाँ का जन्नत है, सुकून है, यहाँ का एक नंबर जगह है गाइस यहाँ से। और यहाँ से सूरत अभी 179, तो मान लो वही 180 किलोमीटर है यहाँ से अभी सूरत। 3 घंटे का बोलने का है, घाट में ही 1-2 घंटा लग जाएगा अभी हम लोग को। तो वैसे अभी सापूतारा रोड खत्म हो गया, मैं मुंबई रोड में आ चुका हूँ। यहाँ से अभी अपना मंडी जो किया है 50 से 60 किलोमीटर। तो अभी रात का बज रहा है गाइस, 11:30 बज रहे हैं, तो वही 12:30 बजे 1 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। तो सोच रहा हूँ कुछ खा लूँ गाइस, सुबह से कुछ खाया नहीं, बस एक बड़ा पाव खाया था। तो अभी देखते हैं ढाबा अच्छा लगाएंगे और गाड़ी को साइड करेंगे और खाना खाएंगे पहले, और फिर मंडी तो जाना ही है। मंडी में भैया लोग बुलाया है मेरे को, वही 2:30-3 बजे तक आना, तो फिर भी अपन 2 बजे पहुँच जाएंगे, सोना भी है। और तो फाइनली गए थे अभी गुजरात सिटी में, तो आ चुका हूँ मैं, और मेरे को खाने पीने कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैं रुक रुक के आ रहा था, थोड़ा सा रुक रुक के हल्का हल्का नींद आ रहा था, तो फाइनली अभी तो पहुँच चुका हूँ। ये देखो क्या बड़ा बड़ा बिल्डिंग, और मेट्रो का काम तो पूरा चल ही रहा है अभी चारों तरफ। तो देखेंगे कैसे, अभी चल के ऑर्डर करेंगे कुछ ऑनलाइन, आएगा तो खाएंगे। देखो क्या मस्त मस्त बिल्डिंग है, प्यारी प्यारी। तो कैसे अभी हम लोग ऑनलाइन मंगा लिए खाना, और देख लो अभी रात में 1:48, तो बहुत टाइम के बाद मंगाए हम लोग। और मैं मंडी आया हूँ सरदार वल्लभ, सरदार मंडी है यहाँ जो भी बोलते हैं। तो गाइस मैं सुबह ही दिखाऊंगा अभी आप लोग को, तो अभी खाते हैं गाइस। मैं मंगाया हूँ ऑनलाइन बिरयानी, तो ये देखो अपना बिरयानी है, तो अभी खाएंगे। भाई ऊपर सोया हुआ था, अभी उठा दिए हैं भाई को भी। हेलो गाइस आप सभी को मेरे तरफ से प्यारे से गुड मॉर्निंग। तो गाइस अभी गुजरात में ही हूँ मैं सिटी में। देखो पार्किंग मेरी गाड़ी वो पीछे में खड़ी हुई है, सब गाड़ी यहाँ पार्किंग में खड़ी हुई है। तो ठीक है गाइस अभी मैं और क्या दिखाऊँ आप लोग को, नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा, भाड़ा वाड़ा भी लेके आ चुका हूँ मैं। तो ठीक है गाइस अगले ब्लॉग में आप लोग को भाड़ा ही बता दूंगा। तो इस प्यारे से ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, छोटा होगा वीडियो थोड़ा सा लेकिन एडजस्ट कर लेना। Bye.